अस्सलाम वालेकुम, ये है TNN TV। साबिक गवर्नर सिंह और 1962 और 1971 के जंगी हीरो वायर मार्शल अजीम दाऊद पोता कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा PAF पीस फैसल में अदा की गई। पाक फजाई गहरे दुख और रंज के साथ ये ऐलान किया गया है कि 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में कारहाए नुमाया सर अंजाम देने वाले एयर मार्शल अजीम दाऊद पोता हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारा जुरात मुख्तसर अलालत के बाद आज कराची में इंतकाल कर गए। आपकी उम्र 84 वर्ष थी। मरहूम की नमाज जनाजा PAF बेस फैसल पर अदा की गई। बाद अजा उनकी तदफीन PAF बेस कोरंगी करैब कराची के कब्रिस्तान में की गई। उनकी नमाज जनाजा में गवर्नर सिंह, एयर मार्शल असद लोधी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स, कोर कमांडर कराची के अलावा आला फौजी और सिविल अहदेदारान ने शिरकत की। पाक फजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने कौमी हीरो एयर मार्शल अजीम दाऊद पोता की वफात पर गहरे रंज का इजहार किया है। पाक फजाई के सरबरा ने कहा है कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और हमेशा पेशे के साथ मुखलिस एयर मार्शल टॉप गन पायलट अजीम दाऊद पोता ने सिर्फ पाक फजाई के एयरमैनों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मशाल राह और काबिल तकलीद मॉडल का दर्जा रखते थे। देखते रहिए मजीद खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। लोटस लेक टावर्स, अ ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर बाय लोटस प्रॉपर्टीज।